तो जी गर्मा गर्म गुड़ जो है बन रहा है। अमृतसर में भी एक घर होना चाहिए। हेलो ओएनजी फैमिली, स्वागत है आपका ओएनजी व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। आज के दिन हम अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने, और भी काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है खाने पीने से रिलेटेड सब कुछ। और हमने सोचा था कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, बट रात को मामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था जिसकी वजह से कोई भी जल्दी नहीं उठा है। अभी अराउंड 8 बज चुके हुए हैं, 8:30-9 बजे तक निकलेंगे और आज ही के दिन में वापस आना है। तो अभी जल्दी से होते हैं तैयार और निकलते हैं। और भी बर्थडे गर्ल रेडी हो? ऐसे जाना है? मतलब रेडी हो आप? चलो मैं जल्दी सो जाता हूँ। पापा हो चुके हैं रेडी, डैडी हो चुके हैं रेडी, मुक्ति हो चुकी है रेडी, सारे हो चुके हैं रेडी, और अब सीधा निकलते हैं टुवर्ड्स अमृतसर। अबीना जी, हमारा ऑलमोस्ट आधा रास्ता जो है वो कवर हो चुका हुआ है, और रास्ते में हमें फ्रेश गर्मा गर्म गुड़ बनता हुआ देख चुका हुआ है। तो हमने सोचा थोड़ा सा ले लिया जाए, थोड़ा सा चख लिया जाए। तो ये यहाँ पे जो है गुड़ बन रहा है। ओहो हो, जूस निकाल रहे हैं इसका। तो जी गर्मा गर्म गुड़ जो है बन रहा है, ये हमने ले लिया हुआ है। और भाई साहब फ्रेश गुड़ का ना टेस्ट कुछ अलग ही होता है। नजारे आ गए, नजारे। तुझे कैसा लग रहा है? मुझे तो स्वाद ही लगता है, मैं तो गर्म में शक्कर मिल जाती है ना तो और मजा आ जाता है। पर इसको भी तू ऐसे पीजे तो शक्कर ही बन गई। मुझे शक्कर गन्ने का जूस मिल जाएगा वो पी ले गर्मा गर्म। हाँ, जला दो मेरा मुंह। एंड मुक्ति तो यहाँ पे भूख ही डालने लगी हुई है। टेस्टिंग करके देखो। हाँ, हर चीज की टेस्टिंग करनी है वो ना मुक्ति। हाँ। नारियल का बुरादा बचा हुआ वो भी टेस्ट कर ले। नारियल नहीं, गन्ने का। गन्ने का, सॉरी। डैडी देखना टेस्ट करके। और जी साथ ही साथ घर के लिए भी हमने खरीद लिया गुड़। रख दो पापा, अब सीधा टुवर्ड्स अमृतसर। हमारा ना रिकॉर्ड रहा है, जब भी हम अमृतसर वगैरह जा रहे होते हैं, मतलब इस साइड पे जा रहे होते हैं, हमने हमेशा जलंधर वाली हवेली में रुकना ही है, चाय यहाँ पे पीनी है और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है, क्योंकि ये मिड आ जाता है, यहाँ पे एक हॉल्ट हो जाता है। तो अभी अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और यहाँ से चाय लेते हैं, मामा वगैरह वॉशरूम हो आएंगे और फिर निकलते हैं आगे। कौन सी फेंकी है? प्रोग्राम तो सिर्फ चाय का था, पर मैंने कहा कि कुछ आज अलग सी चीज ट्राई करते हैं यहाँ। हाँ, कितनी अलग चीज है। पंजाबी रेस्टोरेंट में आके मैंने डोसा मंगाया पर ठीक है, पूरा नहीं है भाई साहब। मैंने सोचा था अमृतसर जो है ना वो हम 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे, परंतु रास्ते में चलो हम रुक भी रहे हैं। और यहाँ पे ये पुल की कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गंदा जाम है, और हमें यहाँ पे अराउंड 1 घंटा हो चुका हुआ है फंसे हुए। हौली 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 कछुए की चाल पे चल रहे हैं। गोल्डन टेम्पल जाने के लिए हो रहे हैं हम लेट, और दादाजी की सिस्टर रहते हैं अमृतसर में, अभी सबसे पहले उनके घर आया उनको मिलने, उसके बाद देखते हैं। जाना तो है पर लेट हो गया यार। हाय, व्लॉग में लेते हैं आज। तो ये रिश्तेदारों के घर पे भी होके आ चुके हुए हैं, और अभी भी हम गोल्डन टेम्पल नहीं गए हैं। एक्चुअली हमारा एक प्लॉट है अमृतसर में जो आप पीछे देख रहे हो, दादाजी ने बहुत ज्यादा शौक से लिया था, क्योंकि बेसिकली हम अमृतसर से ब्लॉग करते हैं, तो उनका था कि अमृतसर में भी एक घर होना चाहिए, जो कि बनने में नहीं आ रहा है, बट प्लॉट है, जल्दी कभी फ्यूचर में दादाजी की ड्रीम कम ट्रू करेंगे, घर बनाएंगे यहाँ पे। देख लिया, तसल्ली हो गई है दादाजी को। ये ट्रिप स्पेशल हो चुका हुआ है मम्मा के लिए भी और डैडी के लिए भी, क्योंकि डैडी ने बहुत टाइम से अपनी सिस्टर को मिले नहीं थे, वो भी मिल लिया। मतलब एज हो जाती है ना तो आप खुद भी नहीं जा सकते कहीं पे। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और एक बार एज हो जाती है ना तो बंदा ये सोचता है कि मिल लो जो भी है सबको मिल लो, मिला देते हैं। फाइनली जाके गोल्डन टेम्पल की पार्किंग में गाड़ी जो है वो हमने लगा ली हुई है, और जिसका वैसे तो वो जो काम किए हैं सारे वो भी इम्पोर्टेंट थे, बट मेन काम जिससे हम अमृतसर आए थे वो था दरबार साहब में मत्था टेकना, वो फाइनली जाके हम टेकने लगे। डैडी कितने साल बाद आए हो अमृतसर आप? 4 साल। आज मम्मा के बर्थडे की बदौलत दिन बन गया। पापा आप भी 4 साल बाद? आप तो 2 महीने बाद। बर्थडे गर्ल मतलब 2 महीने बाद आ चुकी है, और हम मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद। नहीं, महीने बाद। हाय हाय, शादी को कितना टाइम हो गया हमारी को। अरे उसके बाद अभी वीडियो शूट के लिए तो आए थे। वीडियो शूट करने
भी आए थे तभी चलो आओ मत्था टेके। चलो जी बड़ी गर्ल चलो। वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना वो सराय है, मतलब अगर आप गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने आना चाहते हो और रुकना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट पे कमरा मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। वो उसका नाम है मम्मा, वो सराय का नाम क्या है? सारागढ़ी सराय। गुरुद्वारे के दर्शन हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से। अब हम जल्दी से निकलते हैं टुवर्ड्स जलंधर। हाँ। जो बर्थडे के लिए मैंने सोचा हुआ था वो जलंधर में जाके आपको पता लगेगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जलंधर और हम बेसिकली अभी आए हैं रंगला पंजाब। एक बारी रंगला पंजाब हम आए थे हवेली के बिल्कुल साथ में ही है। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा कल्चरल एक्सपीरियंस है। दादा जी को बहुत ही पुरानी पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी, माता जी को पंजाब का रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेगा और हमें बहुत कुछ खाने को मिलेगा। चलते हैं। बड़े होटलों में जाते हैं वहाँ वेलकम ड्रिंक मिलती है ना, यहाँ पे वेलकम पान पता नहीं, खोल के देखता हूँ। अच्छा चने और गुड़ है। आते ही खाने पीने पे टूट पड़े हुए हैं, वहाँ पे डैडी लगे हुए लस्सी पी रहे, यहाँ पे हम लगे हुए हैं राम लड्डू खाने। ओहो। और यहाँ पे ना मतलब एक एंट्री टिकट में सारा कुछ इंक्लूडेड है, जो मर्जी खाओ सब फ्री में, मतलब एक बार एंट्री टिकट देंगे उसके बाद सब फ्री में। ਕਿਤਨੀ ਬੋਮੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਗਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ। ਡੈਡੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕਾ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਡੀ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਸਕੂਟਰ ਥਾ ਯਾ ਨਹੀਂ। ਡੈਡੀ ਥਾ ਐਸਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਥਾ। ਐਸਾ ਥਾ ਪਾਸ? ਹਾਂ ਥਾ, ਚਲਾਇਆ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫਸਟ। ਯਹੀ ਥਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਟਰ? पहला हमारा वेस्पा था पर डैडी ने सीखा लिबरेटा पे था। अच्छा, तो ये वाले स्कूटर के साथ डैडी की बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई है। ये सेम नहीं, मतलब ये वाले मॉडल के साथ डैडी ने सीखा ही है सबसे पहले। स्टेपनी देखो कितनी बढ़िया लग रही है। यूजली अगर आप किसी जगह पे जाते हो वहाँ पे अच्छी चीजें दिखाई जाती है, यहाँ पे अच्छे के साथ साथ बुरी भी दिखाई जाती है कि अगर आप बुरे काम करोगे आपको तो हवालात में बंद कर दिया जाएगा। पहले के हवालात ऐसे उनको बैठना पड़ता था अंदर। ओए 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 ओए, मेन टेक्निकलिटी और डिटेल देख, वो पटे पड़ते होते थे वो जो वहां पे पड़े हुए। हाँ। मैम फॉर यू। नहीं खुद मक्की की रोटी नहीं खाते तो फॉर यू। नहीं मैं भी खाऊंगा, इसमें शक्कर भी है। पापा स्पेशल मक्की की रोटी। क्या पी रहे हो आप? दूध कड़िया में था पर स्वाद नहीं। स्वाद नहीं, चाय पियो, चाय अच्छी है। मम्मी खाते मक्की की रोटी बनाते तब तो तुम खाते नहीं हो। अब मक्की की रोटी नहीं नहीं, बात पता क्या है, इस मक्की की रोटी के पैसे दिए मैंने। बात ये है पापा डैडी ना लगे हुए यहाँ पे करने चीजों को ऑब्जर्व। वैसे पापा बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। डैडी आप बताओ आपके टाइम की ज्यादा चीजें यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सच्ची अच्छा लग रहा है। अभी खाना खाना है हमने। डैडी को ना लिबरेटा देख के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, क्यों दिखता नहीं है ये वैसे अब जनरली? नहीं दिखता। यहीं पे देखा बड़ा अच्छा लगा, पुरानी यादें आ गई, सीखा उसी के ऊपर था ना। लिबरेटा मैंने चलाया लेकिन सीखा नहीं। हां सीखा था। महंगा होता था? नहीं। अच्छा महंगा मतलब उस टाइम दो ही स्कूटर होते थे, एक ये था वेस्पा लिबरेटा या बजाज। लिबरेटा आया। हाँ बढ़िया। तो जी थालियां लग चुकी हुई है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है। हाँ जी सर, दही भल्ला इज कमिंग, वेरी गुड। तेरे बिना हो जाऊंगा मैं कल्ला। आ चुका है यहाँ पे दही भल्ला और घर वाले जो है वो हमसे थोड़े से दूर है क्योंकि ये बीच में है सर्विस लेन।
बहुत दूर है, बोलना पड़ेगा। हाँ, अंदर का एम्बियंस कुछ इस प्रकार का, फुल देसी। अरे ये क्या भैया, मसाला लस्सी। और जी ये थाल का साइज और वेट बहुत ही ज्यादा है, मेरे ख्याल से ऐसी 5 प्लेटें उठा के बंदा बाइसेप का वर्कआउट कर ले। मम्मा उठा के दिखाना, मैं मान चुका हूँ उठा ली, बहुत भारी है। भाई साहब अगर कभी आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो ना, तो मैं कहना चाहूंगा खतरनाक जगह है ये, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत ज्यादा खिलाते हैं, पेट भर देते हैं, उसके बाद बिस्तर नहीं देते हैं, कहते घर जाओ और यहाँ पे नींद आती है, बहुत गलत जगह है। ऑन योर ओन रिस्क ही आना है। आप लोगों का क्या हाल है? सेम। तेरा क्या हाल है? मेरे भी सेम ही है। ओए होए, साथ में देते हैं यहाँ पे लस्सी का ग्लास, जो और भी ज्यादा जानलेवा है। हाजमुला है, हाजमुला दे दो। थैंक यू। तो गाइस फाइनली जाके पहुंच चुके हैं हम घर, और थकावट हो गई है बहुत ज्यादा। इस टाइम पे 12 बज रहे हैं और हमारे कुत्तों को बहुत ज्यादा चाह चढ़ गया हुआ है हमें देखकर। आए भाई साहब, मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये प्यार कर रहा है या हमले कर रहा है, इतनी जोर से धक्का मारता है ना। मेरे ख्याल से पहली बारी मैंने कंटिन्यूसली इतनी ज्यादा गाड़ी चलाई है। सेम डे अमृतसर अप डाउन, हेक्टिक हो गया। एंड मम्मा एक चीज तो मैं पूछना भूल गया। How was your birthday? बहुत अच्छा बना दिया आपने, जैसे मैं बीमार होके हटी थी और बिल्कुल ही ऐसे फील कर रही थी कि बहुत लो, और अब तो आपने मेरा इतना अच्छा दिन बना दिया कि पूछो ही मत। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अब आराम करो, सो जाओ। थैंक्स। आज बहुत टायरिंग हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। God bless you. तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, और कमेंट करके बताना जो भी आपको बताने का मन करे।